जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग आरआरबी एलएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ 2024 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं और ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग क्लास को मिस मत करेंगे और हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए, आप लोग का जेएस मेनाल तो ये क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। जिस प्रकार 43 जो है 12 से संबंधित है, उसी प्रकार से 39 किससे संबंधित होगा। अब देखिएगा यहां पे कि 43 और 12 के बीच क्या संबंध है। ठीक है, देखिएगा यह जो 43 है, इसमें देखिए कि 4 और 3 दो अंक है। तो 4 और 3 जो दो अंक है, क्या इन दोनों को मैं आपस में गुणा कर दूं? तो 4 और 3 को आपस में अगर गुणा करते हैं, बताइए कितना होता है? 12। बताइए कि आपकी दूसरी संख्या 12 लिखा हुआ है? जी, 12 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से मेरे पास कितना है? 39 है। तो 39 में कौन कौन अंक है? तो 3 और 9 है। तो 3 9 को गुणा कीजिएगा तो 9 × 3 कितना होता है? 27 होता है। अर्थात आपका ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न कहता है क्या कि जो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, आपको यह ज्ञात करना है। देखिए, 35 से कहाँ जा रहे हैं? 50 पे। 50 से कहाँ जा रहे हैं? 63 पे। 63 से कहाँ जा रहे हैं? 82 पे। तो आगे हम लोग कहाँ क्या हाथ पे जाएंगे? ठीक है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, आपको ये ढूंढना है। अब देखिए कि हम लोग 35 से जा रहे हैं कहाँ पे? 50 पे। ठीक है, 50 कहाँ गए? 63 पे। 63 से हम लोग कहाँ गए? 82 पे। तो 82 के बाद यहाँ पे क्या प्रश्नवाचक चिन्ह है, और फिर कितना है? 122। ठीक है, अब बताइए क्या इस हम 35 को, क्या इसको बताइए कि 6 का स्क्वायर माइनस का 1 लिख सकता हूँ? जी, लिख सकता हूँ, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। अब माइनस 1 की जगह कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, यह जो 50 है, इस 50 को क्या हम बताइए 7 का स्क्वायर प्लस का 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और प्लस 1 कितना हो गया? 50। इस 63 को बताइए क्या हम इसको हम 8 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हो, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना? 64। और माइनस 1 कीजिए कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ठीक है, इस 82 को बताइए क्या हम 9 का स्क्वायर प्लस का 1 लिख सकता हो, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 कीजिएगा कितना हो जाएगा? 82। ठीक है, यह जो 122 है, क्या इसको हम 11 का स्क्वायर प्लस का 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। अब प्लस का 1 कीजिएगा 122। ठीक है, अब ढूंढिएगा कि यहाँ पर लॉजिक क्या है। देखिए, सबसे पहले देखिए 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। तो स्क्वायर तो लगातार संख्या है, इसके बाद 9 के बाद यहाँ पर क्या है? 10 है। तो 10 का तो स्क्वायर होना ही है। उसके बाद क्या लॉजिक है ढूंढिएगा। उसके बाद जो लॉजिक है, देखिए बार माइनस 1 फिर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 यहाँ कितना हो जाएगा? फिर माइनस 1, तब तो यहाँ पे क्या हुआ? प्लस 1। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। और माइनस का 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 99 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? कोई परेशानी है? चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि 5 लड़के ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में है। ठीक है, कहता है कि ए जो है बी की दाईं ओर है और ई जो है बी की बाईं ओर है, लेकिन सी जो सी की दाईं ओर है लेकिन सी के दाईं ओर है और ए डी के बाईं ओर है, यह बताए कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन सा है। ठीक है, पहली बात तो 5 मित्र हैं। ठीक है, पाँचों क्या है? बैठे हुए हैं। ठीक है, पाँचों क्या है कि बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं कि 5 मित्र को ले लेते हैं, ले लिए। ठीक है, ये पांचों जो है क्या करता है कि ये बैठा हुआ है। ठीक है, 5 बैठा हुआ है। चलिए, अब देखिएगा यहाँ पे कहता है क्या, सबसे पहले कहता है कि ए जो है बी की दाईं ओर है, ए जो है बी की दाईं ओर है। ठीक है, बताइएगा इधर आपका क्या होता है? बायां। ठीक है, और इधर आपका क्या हो जाता है? दाया। ठीक है, कहता है क्या कि ए जो है बी की दाई ओर है, बी की किधर है? दाई ओर है। अगर यहाँ पे बी होगा तब तो बी के दाई कौन होगा? ए होगा। ठीक है, और कहता है ई जो है बी के बाई ओर, ई जो है क्या है कि बी के बाई ओर, चले बी के बाई ओर हो गया ई। ठीक है, लेकिन सी के दाई ओर है, लेकिन क्या है कि सी के दाई ओर है।
तथा ई जो है बी के बाईं ओर है लेकिन सी के क्या है दाईं ओर है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा सी, तभी तो सी के दाईं ई हो जाएगा। कहते हैं ए जो है डी के बाईं ओर है, ए जो है डी के बाईं ओर है, तो डी यहाँ पे होगा तभी तो ए क्या होगा डी के बाईं ओर होगा। तो हमसे पूछा कि यह बताइए कि बाईं ओर से दूसरा कौन है, तो बायां इधर है, बाईं ओर से दूसरा कौन है भाई, तो आपका ई है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या किसी कोड में 253 का अर्थ बुक्स आर ओल्ड है, बुक्स आर क्या हो जाएगा ओल्ड है, 546 का अर्थ है कि मैन इज ओल्ड है, ठीक है, और 378 का अर्थ है कि बाय गुड बुक्स है, तो इस कोड में आर किसका अर्थ है, आर का अर्थ क्या है। अब बताइए आर किस में है, तो बुक्स आर गोल्ड, बुक वाले में आर है, तो इससे बुक हटाइए, बुक किस में है देखिए, तो बुक किस में है, इससे बुक हटाइए। अब इनके कोड में आइएगा, अब इनके कोड में आइए, दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन है, तो 3 को हटाइए, बुक का कोड 3 हो गया, तो बुक ख़त्म। उसके बाद ओल्ड में आइए, ओल्ड किस में है देखिए, तो ओल्ड देखिए यहाँ पे है और ओल्ड देखिए यहाँ पे है, इन दोनों में कोड क्या कॉमन है, तो 5 कॉमन है, इसमें भी क्या है 5 कॉमन, इसमें क्या बचा आर, इसमें क्या बचा 2, तो आर का कोड क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या जिस प्रकार से ए बी डी ई को जी एच जे के लिखा हुआ है, तो एम एन पी क्यू को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहता है क्या कि ए बी डी ई है, इसको जो लिखा गया है जी एच जे के लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा कि ए कितना 1, बी कितना 2, डी कितना होता है 4, और ये कितना पे होती है 5 पे, जी 7, एच 8, जे 10 और के जो है कितना होता है 11 होता है, ठीक है, के कितना होता है 11 होता है। अब देखिए कि ए से कहाँ गए जी पर कितना प्लस का 6, देखिए बी से कहाँ गए एच पर कितना प्लस का 6, डी से कहाँ गए जे पर कितना प्लस का 6, ई से कहाँ गए के पर कितना प्लस का 6, सभी में कितना हुआ प्लस का 6 करके लिखा हुआ है। तो सेम चीज़ें तो हमारे यहाँ भी होगी ना, तो एम कितना पे होता है देखिए, तो एम होता है 13 पे, ठीक है, एन कितना पे होता है 14 पे, पी कितना पे होता है 16 पे, क्यू कितना पे होता है 17 पे, ठीक है 17 पे होता है, और इन सभी में क्या करना है कि प्लस का 6 करना है, कितना करना है प्लस का 6 करना है, 13 छः कितना 19 पे क्या हो गया एस, 14 छः कितना हो गया 20 पे क्या होता है टी, ठीक है, 16 छः कितना होता है 22 पे भी, और 17 छः कितना 23 पे क्या होता है डब्लू, तो एस टी भी डब्लू होता है यहाँ पे, ठीक है, एक्स की जगह पे आप डब्लू कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आप एक्स जगह पे क्या कर लीजिएगा डब्लू कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है आपको कोई परेशानी। चलिए अगला देखिएगा प्रश्न, कहता है क्या कि जिस प्रकार बर्फ जो है ठंडा से संबंधित है, उस प्रकार से भाप किसे संबंधित होगा। अब समझिएगा बर्फ क्या होता है एक प्रकार का ठंडा, बर्फ क्या होती है ठंड होती है ना, ठंडा होता है, उस प्रकार से भाप क्या होती है तो गर्म होती है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि इनमें सबसे भिन्न कौन है, देखिए 9 किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 27 किसका देखिए तो 3 का क्यूब है, इसका क्यूब 3 का, 64 किसका क्यूब है देखिए 4 का क्यूब है, 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब है। अब आप ही बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर है, बाकी सभी क्या है क्यूब है, तीनों क्या है क्यूब है, ठीक है क्यूब है, बट ये क्या है स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कहता है कि जो लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है, देखिए लॉजिक क्या होता है, बहुत सारे मैसे क्वेश्चन करवाए हैं, सबसे पहले आप इसके आमने सामने लॉजिक ढूंढिए, तो 9 को देखिए 30 के लिखे हैं, तो हम बताइए क्या 9 गुने का 4 कर सकता हूँ, 9 गुने 4 कितना होता है 36, और 36 में से कर लीजिएगा माइनस का 3, बताइए कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, तो उसी प्रकार से आप यहाँ भी कर सकते थे 17 गुने का 4 कितना, 17 सौ कितना हो जाता है 68 हो जाता है, माइनस का अगर आप 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आप चाहे तो इसको एक तरीका से और कर सकते हैं, देखिए हम 9 से कहाँ जा रहे हैं 17 पे, तो 9 से में क्या करें हम अगर प्लस का 8 करें तो कितना हो गया 17 हो गया, और 17 देखिए हम कहाँ जा रहे हैं 33 पे, कितना देखिए हम प्लस का 16 करें तो कितना हो जाएगा आपको 33, तो लॉजिक क्या है यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या है, देखिए 9 से एक कम कितना होता है 8, तो हम जोड़ रहे फिर देखिए 17 से एक कम कितना 16, ठीक मतलब इससे एक कम संख्या इसी में जुड़कर हम आगे जा रहे हैं, तो 33 से एक कम जुड़ेंगे कितना होगा 32, और 33 में 32 जुड़ेगा तो कितना होगा आपका 65 हो जाएगा ना,
तो फिर भी आपका आंसर डी करेक्ट आंसर, ठीक है चलेगा। अगला प्रश्न कहता है कि आगे यदि एम आई जी आर ए एन टी को किसी कोड में एल एच एफ क्यू जेड एम एस लिखा जाता है तो जी एल को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। कहता है कि एम आई जी आर ए एन टी, ठीक है। अब बताइए एम कितना 13, आई 9, जी 7, आर 18, ए 1, ठीक है, एन 14 और टी कितना होता है 20। इसको लिखा गया है एल, ठीक है, एल एच एफ क्यू जेड एम और एस। देखिए तो सभी में यहाँ पे माइनस का एक हो रहा है, 13 माइनस 1 12, 9 माइनस 1 8, जी 7 माइनस 1 6, 18 से 1 11 17, ए से 1 11 जेड, 14 से 11 13, 20 से 11 19, सभी में कितना हो रहा है माइनस का एक, माइनस का एक, माइनस का एक हो रहा है। तो आप यहाँ भी माइनस का एक कर लीजिए भाई, तो जी ई एल है, जी कितना 7, ई कितना 5, एल कितना 12, एक माइनस कीजिएगा 6 पे एफ, एक माइनस कीजिएगा 4 पे डी, एक माइनस कीजिएगा एल के, ठीक है, एफ डी के, आपका ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। यहाँ भी सभी में क्या हो रहा है कि माइनस का एक हो रहा है, तो यहाँ भी आप सभी में क्या कीजिए माइनस का एक कर लीजिए, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि मॉल जो है बाजार से, ठीक है, बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम है, ठीक है। मान लीजिए कहता है कि उत्तर पश्चिम किधर होता है, भाई नहीं पता है आपको, फिर डायग्राम बना लो, उत्तर है ये और ये पश्चिम है, तो दोनों के बीच में क्या होता है उत्तर, यहाँ मान लीजिए क्या है बाजार है, तो बाजार से जो मॉल है, मॉल, ठीक है, 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है, और कहता है क्या कि स्कूल जो है बाजार से 250 मीटर दक्षिण पश्चिम है, तो स्कूल जो यहाँ से 250 मीटर कहाँ पे, यहाँ पे स्कूल है कितना मीटर, 250 मीटर, और ये क्या हो गया दक्षिण हो गया, और ये क्या हो जाएगा मेरा पूरब हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि स्कूल मॉल से किस दिशा में, कहता है स्कूल जो है मॉल, यहाँ पर कौन है मॉल, यहाँ पर कौन है स्कूल, तो ये जो स्कूल है, स्कूल से यह जो मॉल है, यह जो मॉल है किस दिशा में है, तो ठीक है इसके नीचे मतलब दक्षिण दिशा हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे, 2000 लीप ईयर, 2004 लीप ईयर, 1996 आपको कितना हो जाएगा 1996 आपको लगेगा 4 2 8, कहता है कि 29 दिन नहीं था, ठीक है, 1996 और 96 में कीजिएगा, तो 96 में भी अगर आप 4 से भाग करते हैं तो आपका इसमें तो ये भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 96 में 4 से तो भाग लग जाता है ना, ठीक है, चूँकि 4 2 8, 1 4 224, चूँकि कितना हो गया 96, तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्यों हो गया, क्योंकि इन सभी में 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब इन सभी में 4 का डिवाइड जाएगा और इसमें 4 का भाग नहीं लगेगा, तो जिन सभी में जिस वर्ष में 4 का भाग लगता है वह सभी क्या होता है लीप ईयर होता है, वह सभी क्या होता है लीप ईयर होता है, हम जितना भी लिख रहे हैं सभी क्या है लीप ईयर है, ये सभी क्या है लीप ईयर है, और अभी जो आपका 2024 चल रहा है ये भी तो मेरा लीप ईयर है, क्योंकि 24 क्या है या 24, यह 24 जो है 4 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड कितने बार में, 6 बार में, तो 4 से डिवाइड हो चाहे जितने बार में हो तो वह सभी लीप ईयर होता है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न कहता है क्या कि राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, तो मेरे कोई भाई बहन नहीं है, तो राम किसका चित्र दिखा रहा था। कहता है कि मान लो कि भाई यह कोई राम है, ठीक है, राम कहता है कि राम ने एक व्यक्ति का चित्र को देखते हुए कहा, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, देखते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता, मान लीजिए इसके पिता, इसके फादर, ठीक है, इसके पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, भाई इसके पिता का पुत्र कौन हो जाएगा राम, इसका मतलब जो माँ है, वह जो माँ है वह क्या है राम की पत्नी है, और वह जो व्यक्ति होगा कौन होगा, इसका बच्चा होगा, ये व्यक्ति क्या होगा इस माँ का बच्चा होगा, तो हमसे पूछा है क्या कि राम किसका चित्र दिखा रहा था, बताइए तो राम का ही लड़का है, तो राम किसका, तो अपने पुत्र का ही चित्र दिखा रहा था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हमने डी को भी टिक कर दिया था, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या कि मॉल जो है बाजार से, ये तो क्वेश्चन कर लिए थे हम लोग, चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा,
कहते हैं क्या कि निम्नलिखित दो चित्रों में परिवार एक्स तथा वाई का खर्चा दिखाया गया, नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला कहता है क्या कि किराए पर एक्स का खर्च वाई से अधिक है, तो ये तो सिंपल सी बात है ना, वाई से क्या है कि एक्स खर्च अधिक है ना, ये का एक भाग है और इसका लगभग में डेढ़ गुना भाग है। कहता है भोजन पर वाई का खर्चा एक्स से अधिक है, कहता है कि भोजन पर वाई की जो खर्चा है कि एक्स से अधिक है, ये भी बात सही है। एक्स इसका क्या है एक तिहाई और ये पूरा एक भाग है, फिर भी ये भी बात सही है, ये भी सही है। कहता है किराए और विधि मदों पर वाई बराबर खर्च करता है, वाई जो है विधि और किराए दोनों पर बराबर खर्च करता है, ये तो बात सही है भाई। जितने किराए का भाग है देखिए उतना ही भाग किसका है, विधि का भी है, तो ये भी बात सही है। कहता है एक्स जो है किसी अन्य मद की अपेक्षा विधि मदों पर अधिक खर्च करता है, नहीं भाई विधि मदों पर क्या है कि किराया से कम खर्च करता है ना, विधि पे विधि से क्या करता है किराए से कम खर्च करता है, इसीलिए सबसे गलत ऑप्शन नंबर डी और आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्योंकि इससे ताल्लुक नहीं रखता है। चलिएगा अगला प्रश्न, कहता है कि कुछ राजा रानियां हैं, ठीक है कुछ राजा है, ठीक है राजा, कहते हैं कुछ राजिया क्या है कि भाई रानियां हैं, ठीक है आर ए एन आई रानी है। कहते हैं कि सभी रानियां जो है सुंदर है, भाई सभी जो रानियां हैं क्या है ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है। अब कह रहा है क्या कि सभी राज जो है राजा जो है सुंदर है, क्या सभी राजा सुंदर है, नहीं भाई पहला तो गलत, सभी रानियां राजा है भाई दूसरा भी गलत, ये भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या सभी जो ये राजा है क्या ये सभी राजा सुंदर है क्या, नहीं है ये वाला भाग सुंदर है नहीं है। क्या सभी जो राजा है क्या सभी राजा रानी है, नहीं सभी रानियां राजा है नहीं है, तो ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि दी गई आकृति में कौन सा अंक किसी प्लास्टिक में जो लकड़ी को दर्शा, मतलब तीनों को कौन दर्शा रहा है, तो तीनों भैया एक ओनली फोर ओनली फोर है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चार क्या है देखिए कि इस त्रिभुज में भी है, इस आयत में भी है और इस सर्कल में भी है, तीनों में कॉमन कौन है, चार है। चलिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि मित्र मार्गदर्शक और दार्शनिक, देखिए मित्र आपका मार्गदर्शक भी हो सकता है, ठीक है और दार्शनिक भी हो सकता है, जो दार्शनिक होगा वो मार्गदर्शक भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, तीनों के बीच संबंध ऑप्शन नंबर डी के जैसा होगा। ठीक है चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है किसी निश्चित कुर्वशा में भाग को प्लस को प्रदर्शित करता है, माइनस गुना को करता है, प्लस भाग को करता है और माइनस गुना माइनस को प्रदर्शित करता है, तो इसका मान क्या होगा। 24 है, भाग किसको कर रहा है देखिए, तो भाग कर रहा है किसको प्लस को, तो प्लस कितना हो जाएगा 14, माइनस किसको कर रहा है देखिए, तो माइनस गुना कर रहा है, तो गुना कितना हो जाएगा 5, ठीक है ये प्लस प्लस किसको कर रहा है, तो भाग को कर रहा है तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है और गुना किसको कर रहा है माइनस, तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ठीक है तो 24 प्लस 14 गुने का 5 भाग कितना हो जाएगा आपको 10 और माइनस हो जाएगा 14, पन दोनों का कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 7, तो दोनों जुट जाएगा तो 7 चार 11, 3 माइनस कटाइएगा 14, तो कितना हो जाएगा 11 में से आपका 7 हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 17 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर 17 हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है क्या कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, आपको ये ढूंढना, देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या, देखिए यहाँ पे देखिएगा यह कि क्लॉक वाइज चल रहा है, कैसे चल रहा है देखिए क्लॉक वाइज, ठीक है फिर देखिए सबसे नीचे हम त्रिभुज के निचले भाग पे था, अब इस त्रिभुज के इस कोना पे आ गया और यह एक बिंदु तरफ के देखिए यहाँ आ गया और यहाँ था देखिए एक नीचे आ गया और यह जो बिंदु है तो ये पेंट हो जा रहा है। सेम काम यहाँ भी देखिए यहाँ से यहाँ आ गया एक स्टेप बढ़ के देखिए यहाँ आ गया, यह देखिए एक स्टेप बढ़ के यहाँ आ गया और यह देखिए एक स्टेप बढ़ के यहाँ आ गया, तो आगे भी क्या होगा एक स्टेप बढ़ेगा, तो यह जब एक स्टेप बढ़ेगा तो यह इस वाले भाग में आ जाएगा तो सबसे ऊपर पेंट होगा, तो सबसे ऊपर पेंट नहीं है तो सीढ़ी खत्म। इसके बाद देखिए क्या बिंदु खाली है तो बिंदु क्या होगा पेंट होगा, इसमें देखिए बिंदु पेंट नहीं है तो ये भी खत्म, तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी छाड़ सकते हैं वैसे भी, इसके बाद देखिए कि एक बिंदु यहाँ छूटेगा तो ये यहाँ पे आएगा फिर एक बिंदु छूटेगा देखिए स्टार होगा कट होगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कहता है क्या कि सबसे इसमें भिन्न देखिए कौन है, देखिए अब देखिए कि इन दो जो आकृति है कितने खाली हैं, एक दो तीन
इन दो के बीच में देखिए कितने खाली हैं, एक और दो, इन दो के बीच में कितने खाली हैं, एक दो तीन, एक दो तीन खाली हैं, बट इसके बीच दो है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर सबसे भिन्न, क्योंकि देखिए सभी को बीच क्या है कि सभी के बीच तीन खाली हैं, बस इसके बीच कितने खाली हैं, दो है, इसीलिए आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कहता है कि प्रश्न आकृति में यहाँ पे कौन सा आएगा, ध्यान रखना। देखिए ये जो जिस प्रकार से अगर ये ऊपर पेंट है तो इसका नीचे इधर देखिए पेंट हो गया इस तरफ, और यह तीर ऊपर है तो नीचे हो गया, उसी प्रकार से अगर यह ऊपर पेंट है तो ये नीचे है तो इसका कहाँ पेंट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और तीर इधर है, तीर किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ऊपर पेंट और तीर इधर, तो आपका ऑप्शन सी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है कि इसका मिरर क्या होगा। ठीक है, मिरर क्या होगा, देखिए तो अगर यह इस कोना में है तो यहाँ से अगर दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो यह इस कोना में आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, यह इस प्रकार से हो जाएगा। तो पहली बात देखिए कि जो है यह इस कोना से शुरू होगा नहीं, यह इस कोना से शुरू होगा नहीं, तो दो चीज़ तो खत्म, और यहाँ नीचे आएगा नहीं, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये सभी क्वेश्चन ऑप्शन से ही छाटिए, ठीक है, बेहतर रहेगा। ठीक है, जितना ऑप्शन से आप छाटेंगे, क्योंकि देखिए अगर यह लकीर पहले बात इस सबसे पहले इसका बनेगा तो सबसे पहले ये आएगा, तो इससे पहले ये लकीर तो आ नहीं सकता है, तो इससे भी छाट सकते हैं, सिंपल सी बात है ना। चलिएगा, कहता है कि यह किस में छुपा हुआ है, देखिए तो यह आपके ऑप्शन नंबर ए में छुपा हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए में देख लो भाई, छुपा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में देखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है कि ए में नहीं है, ए में यह छुपा हुआ नहीं, ए में तो मुझे नहीं लग रहा है कि ए में, अगर मैं बात करूँ ए की तो यहाँ पे देखिएगा मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे जो मुंह है क्या है, खुला हुआ है, और इसके बाद तो इसी में तो चीज़ें है भी नहीं, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ की बात करूँ तो ये लाइन तो इसी में है केवल। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका, चूँकि बाकी किसी में अगर आप ऑप्शन देखिए तो आपको यह दो लाइन ही नहीं मिला, कैसे देखिए कोई दो लाइन ऐसा इसमें भी नहीं है, कोई दो लाइन आपको इसमें इसमें भी नहीं है, कोई दो, अगर इसमें यह दो लाइन है भी तो आपके पास वो त्रिभुज नहीं बना रहा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन सही कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे बेस्ट प्रश्न है आपका, सबसे प्यारा प्रश्न है। ठीक है, कहता है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, सॉरी चतुर्भुज है, आपको काउंट करना है। देखिए सबसे पहले बात, आप इसमें तो काउंट कर लेंगे आराम से, इसमें तो काउंट करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होता है, तो एक और दो और दो, तो एक प्लस दो कितना हो गया, तीन, दोनों में सेम है, तीन गुने का तीन कर दिए कितना हो गया, नौ हो गया। ये तो बात हो गई कि इसमें आप नौ आपके चतुर्भुज हो गए। ठीक है, बाकी देखिएगा कि एक चतुर्भुज यहाँ से ये होता है और एक चतुर्भुज यहाँ से ये होता है दो, फिर देखिए एक छोटका यहाँ से होता है, फिर देखिए यहाँ से छोटका भी तो एक चतुर्भुज होता है और यहाँ से भी चतुर्भुज, रोल कितने हो गए, चार इधर से हो गए। ठीक है, सेम बात यहाँ भी होगा एक, सेम बात यहाँ भी होगा दो, फिर वही सेम बात यहाँ छुटका में तीन, फिर यहाँ से कितना हो गया, चार, तो चार चार आठ नौ कितना हो गया, सत्रह। देखिए एक इसमें और, अब एक इसमें कौन है, देखिएगा देखिए एक इसमें, एक यहाँ से यहाँ देखिए एक हो गया। ठीक है, देखिएगा हम बना रहे दो भुजा, यहाँ से यहाँ देखिएगा तीन भुजा, और यहाँ से यहाँ देखिएगा चार, तो हमें सिर्फ बोला चतुर्भुज, अब कौन चतुर्भुज, चार भुजा से बंद आकृति चतुर्भुज होता, चाहे टेढ़ा हो चाहे सीधा हो, सत्रह एक हो गया अठारह, आपका ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम आशा करते कि आप सही प्रश्नों को अच्छी तरह समझ के होंगे, तब तक ले जय हिंद जय भारत।